अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर इज हियर। फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन मैक्रोनी। और चिकन मैक्रोनी जो है हर एक को पसंद होती है और तकरीबन सब कोई बनानी भी आती है। तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। चले आए, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव के करीब बोनलेस चिकन लिया है और उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। स्पाइसेस भी मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जो है कुटी हुई सुरख मिर्च ली है, नमक लिया है और सुरख मिर्च पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने दही लिया है और टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून लिया है। और 2 अदद मैं इसमें डालूँगी लेमन ज़रा छोटे छोटे से हैं तो हो सकता है 3 डाल दूँ, लेकिन 2 काफ़ी हैं। तो चले आए, इसको सबसे पहले मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी दही और डालूँगी टिक्का मसाला और ये स्पाइसेस। ये देखें जी, लेमन जो थे छोटे थे वो मैं अपने किचन गार्डन से उतार के लाई थी, तो अब मैंने इनका जूस निकाल लिया, उनको भी मैं ऐड कर रही हूँ। एक बीज रह गया, ठीक है, इसको ऐड करके मिक्स करके हम इसको रखेंगे 1/2 घंटे के लिए। अच्छा जी, चिकन जो है हमारा मैरिनेट हो रहा है और यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाला है और साथ ही डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून जो है सॉल्ट डाल दूँगी इसमें। यहाँ पे हम इसको बॉईल करेंगे। यहाँ पर जी पानी जो है गर्म हो गया और मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दिया। ये देखें, अब ये 10 मिनट लेंगे बॉयल होने के लिए। उसके बाद मैं इसको ठंडे पानी में से गुजारूंगी और फिर लगाऊंगी इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून जो है ऑयल ले लिया है और 1 टेबलस्पून जो है लहसुन का पेस्ट बना लिया और इसको मैं डालूंगी इस ऑयल में और इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए जी, लहसुन फ्राई हो गया और इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए हमने मैरिनेट किया। ये आप देखें कितना अच्छा सा मैरिनेट हो गया चिकन। और इसको अब हम डाल देंगे कढ़ाई में, इसको अच्छा सा साफ करके भी डाल देंगे। चिकन को करेंगे आप इसमें फ्राई करेंगे, जैसे ही इसका कलर चेंज होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, चिकन जो है ऑयल में अच्छा सा फ्राई हो गया और दही ने और लीमू ने अपना पानी छोड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ढक्कन देंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये जो चिकन है इसी पानी में गल जाए। तो जैसे ही ये गलता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैक्रोनी जो है हमारी बॉयल हो गई है और इसको हमने लगा दिया है ऑयल ताकि ये चिपके नहीं और तब तक हमारा चिकन रेडी होता है। अच्छा जी, इसका पानी जो है अब खुश्क हो गया और चिकन जो है बहुत अच्छा सा गल गया। अब मैं इसमें थोड़ी सी गाजरें डालूंगी ताकि इनका थोड़ा जो क्रंच है वो ख़त्म हो, नरम हो जाए थोड़ी सी। अच्छा जी, इसमें 3 टेबलस्पून जो है चिली सॉस जाएगा। 3 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस डालेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर डालेंगे। नमक और हमने सुरख मिर्च पहले डाल दी थी, नमक को टेस्ट कर देंगे, अगर कम लगा तो इसमें और शामिल कर देंगे। ये जो हमने मैक्रोनी बॉइल करके रखी हुई थी अब इसको शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे।
हम इसको 2 से 3 मिनट का दम लगाएंगे। ये देखें जी 5 से 6 मिनट हो गए और हमारी जो मैक्रोनीज हैं बेहतरीन तैयार हो गई हैं। तो देखें इसकी लुक चेक करें, बहुत ही मज़े की तैयार हुई हैं। इस पर नमक और मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। आप भी इसको मेरे तरीके से बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।